नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, विश्व गुरु बनना एक बहुत बड़ी जी की भूमिका और बहुत बड़ी जी की बात है, लेकिन क्या किसी के सीने पर पैर रख करके चलना और उसके बाद विश्व गुरु बनना, यही देश की नीति में जी की आज लिप्त हो चुकी है या इससे जी की परे है, इस बात को समझना पड़ेगा। ईडी की ताकत जे की कितनी जे की ज्यादा है, इस बात को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है, यह जे की बात बार बार जे की आ रही है, इस बात पर जे की समझना पड़ेगा। ईवीएम की मामला ठंडे बस्ते में जे की कैसे धीरे धीरे चला गया, और दिल्ली में जो आज भाजपा के लोग जी के प्रदर्शन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, उनको जो है कि रोकने की पुलिस जी की प्रयास कर रही है, तो भाजपा भाजपा जी की पत्रकार चिल्ला रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जी की पानिया बरसाई जा रही है, गोलियां बरसाई जा रही है, तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन मैं यही बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब विश्व गुरु बनना है तो क्या किसी के सीने पर पैर रख करके आप ये कि बनेंगे तो आपको बनने देगा कोई या नहीं बनने देगा, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व गुरु की लालसा लिए हुए और 400 सीट पार करने की बात रखने वाला बीजेपी के हर लोग आज सभी विपक्षी पर एक छत्र प्रहार जे की कर रहे हैं, लेकिन अपना अस्तित्व जे की बचाने के फिराक में ऐसे ऐसे जे की उम्मीदवारों को उतार रहे हैं मैदान में, जिसका कल्पना परिकल्पना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल जी हैं, उनको उतार दिया गया चुनावी मैदान में, कंगना रनौत को उतार दिया गया, क्यों उतारना पड़ा है इस बात को समझिए। क्या बीजेपी के पास अब राजनेता और जे कि ऐसे जे कि चुनावी राजनीतिक दल से कोई भी नेता नहीं है बीजेपी के पास, सभी पार्टियों को तोड़ करके अपने में जोड़ रहे थे, क्या अब ऐसा कोई भारत में पार्टी नहीं है जिसको वो तोड़ करके अपने में जोड़े और उसके बाद से चुनाव लड़वा सके, जिससे अब टीवी सीरियल कलाकार को या अन्य किसी कलाकार को जे के मैदान में उतारने की जरूरत पड़ रही है? इस बात को समझिए, इस बात के पीछे बहुत बड़ी रहस्य है। जहां निगेटिव चीजें जे की दिखाई दे रही है, साथ में पॉजिटिव चीज जरूर है, और जहां पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है उसके पीछे निगेटिव चीज जरूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी जिस तरीका से ईडी को और सीबीआई चाहे अन्य एजेंसी को इस्तेमाल करके और अन्य पार्टियों को धमका कर, अन्य पार्टियों को जो कि अपने पाले में ला करके काम करना चाहती थी और काम कर रहे थे, क्या यह मिशन बीजेपी के लिए जे कि सक्सेसफुल नहीं दिखाई दिया? क्योंकि जो भी राजनीतिक दल टूट कर आने वाले थे वो तो आ चुके, उसके बावजूद भी बीजेपी से बहुत ऐसे लोग हैं जो भाग रहे हैं, अब जे प्रत्याशी कहाँ से जे कि लाए जाए, यह जे कि जान करके बीजेपी ऐसे कलाकारों को अब जे कि उतारने का पूरा जे कि प्लानिंग कर रही है। और ये यही है विश्व गुरु बनने का मूल मंत्र। विश्व गुरु बनने का मूल मंत्र ऐसा जे कि समझाया जा रहा है, ऐसे जे कि बताया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि सिर्फ जे कि सिर्फ वन मन वन मैन वन इलेक्शन जे कि अब देश में जे कि होगा। जब विपक्ष की एक भी नेता जब नहीं रहेगा तो फिर जे कि अकेले जे कि चुनाव लड़के जीतना, निर्विरोध घोषित होना और विश्व गुरु बनने का सपना जो है
वह सकार जे की हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बताइए, इस तरीके का शासन, इस तरीके का जे की काम काज करके और लोगों के सीने पर जे के पैर रख करके और उसे जेल के अंदर डाल करके विश्व गुरु अगर कोई बन भी जाता है तो क्या जे कि यह उचित है या अनुचित है? दोस्तों, दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि जो बीजेपी 400 सीट की बात करती है, क्या आप लोग को मालूम होगा कि तमिलनाडु में वो एक भी सीट जे की जीत पाएगी? तमिलनाडु के जैसे अनेकों जे के राज्य हैं भारत में जहां से बीजेपी आज भी जे की वहां से सीट जीतना उसके लिए मुश्किल होता है, वह जे की समस्या उसके लिए बना हुआ है। तो क्या मैं मानूं या आप मानेंगे कि यह 400 सीट का एक जे की जो भावकाल चल रहा है यह जे की भावकाल ही है, या 100% मैं इसे सही मान लूं तो क्या ऐसा ही होगा जो ईडी, सीबीआई और ये कि अन्य एजेंसी को इस्तेमाल करके, मशीनरी को इस्तेमाल करके और ये कि सरकार बनाई जाएगी? इस सरकार को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं आप हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा काम किया है यह सरकार तो उसका जे कि गुणगान होना चाहिए, लेकिन अगर जे कि बुरा जे कि किया है तो उसका विरोध करना आप दंडनीय नहीं है, आप वंदनीय होंगे, आप जे कि सही काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई इंसान अंधेरे में घर से निकलता है, उसके हाथ में टॉर्च हो या नहीं हो, तभी उसे कुछ दूरी तक दिखाई देता है। वह सोच ले कि हमें जे कि पूरे वहां तक दिखाई नहीं देगा तो मैं वहां तक कैसे जाऊं, वह उसकी भूल है। और बीजेपी इस बात से अनभिज्ञ है, उसे लगता है कि 2024 का चुनाव 2014 से बेहतरीन जे कि होगा। तो आप हमें जरूर बताइएगा। आप लोग को याद होना चाहिए कि आचार संहिता लागू है और इस बीच जे के 2007 की एक घटना है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथी बनवाया, पार्क बनवाया और उसके बाद से जब चुनाव अनाउंसमेंट जे कि हुआ, चुनाव का घोषणा हुआ, तो सभी पार्क को और सभी हाथियों को गत्ते से ढकवा दिया गया, उसके बाद से चुनाव में उतरने दिया गया। तो क्या राम मंदिर का मामला उससे अलग है या सेम उसी के जैसा है? मैं मानता हूं कि राम मंदिर मोदी जी ने ही बनवाया, एक ट्रस्ट ने बनवाया है, तो फिर मोदी जी उसको भुनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, उसको बार बार लोगों के बीच में बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरी बातों से थोड़ा आपको दुख होता होगा कि मैं राम मंदिर पे जे की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर को अगर जे की मोदी जी बनवाए हैं तो फिर उसे ढकवा देना चाहिए चुनाव आयोग को। अगर मोदी जी नहीं बनवाए हैं, ट्रस्ट बनवाया है, तो फिर ये कि मोदी जी उसे इस्तेमाल ले के क्यों कर रहे हैं? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप जरूर हमें बताइएगा। दूसरी बात कि अभी दिल्ली की हलचल इतनी तेज है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई और उस पर ये की मांग हो रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक छत्र जे की दिल्ली में शोर शराबा हंगामा जे की कर रहे हैं, इतना भारी तादाद में हंगामा किए कि पुलिस बल वहां जे की विवश हो गई, वहां जे की पानिया बरसाना चालू कर। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो पत्रकार इस पर जे की बात कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पर दिक्कत हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जे की पानी बरसाई जा रही है, तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देते हैं और अन्य
दल के कार्यकर्ता आपको क्यों नहीं दिखाई देते हैं जब आम आदमी पार्टी के वही दिल्ली में जे की प्रशासन ने इस तरीका से प्रधानमंत्री का आवास को घेराव करने का प्रयास किया, तो उसमें जे की कहा जा रहा है कि दिल्ली के पुलिस आम आदमी पार्टी को रोके, दिल्ली के पुलिस जे की कार्यकर्ताओं को रोके, लेकिन आम आदमी का नाम नहीं लिया जा रहा है। और आज जब हो रहा है तो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है।